हमारे समाज में क्राइम को लेकर अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिसे जान हम हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसी बीच हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। ये खबर है एक लुटेरी दुल्हन की जो शादी करके कई लोगों को लूट चुकी है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले एक महीने में दुल्हन के फरार होने का दूसरा मामला सामने आया है। ताजा मामले में दुल्हन शादी के 10वें दिन ही रुपए और गहने लेकर फरार हो गई। बाद में पति से फोन पर बात करते हुए महिला ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। इतना ही नहीं, महिला ने बताया है कि उसकी ये 10वीं शादी है। यहाँ से भागने के बाद उसने एक और शादी कर ली है। तो वहीं दुल्हन द्वारा किए जा रहे इस फ्रॉड की शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अब लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार बायतू भिमड़ा निवासी पीड़ित मेहराम ने पुलिस को बताया है कि उसके पड़ोसी जोगाराम ने उसकी शादी करवाने के लिए अहमदाबाद के दो दलालों कांति भाई और अमित भाई से उसका संपर्क करवाया। मेहराम के अनुसार दलालों ने शादी के लिए ममता नाम की लड़की से भी उसकी वीडियो कॉल पर बात करवाई थी, जिसके बाद लड़की ने भी शादी के लिए रजामंदी दी थी। मेहराम ने पुलिस को बताया है कि उसकी शादी के लिए जोगाराम और दलालों ने 3 लाख रुपए मांगे थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि दलालों से बातचीत होने के बाद वो 24 नवंबर को लड़की को लेकर बाड़मेर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में मेहराम से उसकी शादी करवा दी। इसके लिए शपथ पत्र भरकर पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। कोर्ट में शादी के बाद दलालों ने मेहराम से 3 लाख रुपए भी ले लिए। बाद में मेहराम अपनी नई दुल्हन को लेकर गांव पहुंचा। यहां पर उन्होंने अपने गांव में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। वहीं पीड़ित मेहराम ने बताया है कि शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी गांव जाने की जिद करने लगी। मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर अपने परिचित के खाते में 40,000 रुपए भी डलवा दिए। मेहराम के अनुसार वो दिसंबर में मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया था, जिसके बाद दुल्हन 2 तोला सोना और 50 तोला चांदी के गहनों के साथ ही 50,000 रुपए लेकर भाग गई। मेहराम ने पुलिस को बताया है कि जब वह वापिस आया और दुल्हन से बात की तो उसकी मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर 15-20 दिन में आने को कहा। गौरतलब है कि मेहराम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल इंद्र सिंह ने बताया है कि पीड़ित ने रिपोर्ट में दलाल जोगाराम और दो अन्य के खिलाफ गलत दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से शादी करवाने का आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को पकड़ पाती है। इस खबर में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार चैनल। धन्यवाद।